गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? डियर स्टूडेंट्स, आज हम इश्यू ऑफ शेयर जो चैप्टर है आपका, उसका कोलसिन एरियर के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। कोलसिन एरियर, कोलसिन एरियर का मतलब क्या हुआ? कोल का मतलब समझते हो? कोल का मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट कंपनी अपने शेयर होल्डर से मंगवाती है उसी को हम क्या कहते हैं? कोल्स, ठीक है। जैसे अलॉटमेंट, फर्स्ट कोल, फाइनल कोल, ठीक है। तो अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, उन सभी को हम क्या कहेंगे? कॉल्स। जरूरी नहीं कि अलॉटमेंट की जो इंस्टॉलमेंट है उसको हम कॉल्स, ठीक है, उसको भी हम कॉल्स कह सकते हैं। कॉल्स का मतलब इंस्टॉलमेंट। तो कंपनी जो अपना मनी शेयर्स जो इशू कर रही है वो इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है, एप्लीकेशन पर कुछ अमाउंट मंगा रही है, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ फाइनल कॉल पे, ठीक है। तो किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉल्स इन एरियर। एरियर का मतलब बकाया, यानी अभी शेयर होल्डर ने वो पैसा नहीं दिया, समझ गए? ओके, सो इस कॉल्स इन एरियर के जो क्वेश्चन है वो हम टू वे से सोल्व करेंगे, ठीक है। नंबर वन क्या कि व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन, और सेकंड क्या व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन। तो दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं बता देता हूं कि कॉल्स इन एरियर यानी शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पैसा नहीं दिया, तो ऐसे तो सभी शेयर होल्डर क्या करेंगे? टाइमली पेमेंट ही नहीं करेंगे। तो इसके लिए कंपनी क्या करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करेगी। और वो इंटरेस्ट कितना है अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ? 10% पर एनम, यानी 10% पर एनम की रेट से कंपनी शेयर होल्डर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी। जितनी भी अमाउंट वो ड्यू करते हैं या जितना भी टाइम पीरियड होता है उसके अकॉर्डिंग 10% पर एनम, यानी एक पर एनम मतलब पर ईयर, यानी पर ईयर कितना चार्ज करेगी? 10%, समझ गए? ओके, सो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करने जा रहे हैं। नंबर वन, व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन, तो हम फर्स्ट केस में जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं? व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन, कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन, ये फर्स्ट केस से हम जनरल एंट्री कर रहे हैं, समझ गए? तो पहले हम इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी बुक में। एक्स लिमिटेड इशू 20,007% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹6%, एट अ प्रीमियम ऑफ 6%, 6% प्रीमियम। तो ये 6% प्रीमियम किसका लिया जाएगा स्टूडेंट्स? फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू कितनी है शेयर्स की? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कितनी है? ₹100। तो 100 का 6% कितना हो जाएगा? ₹6, ठीक है। पेमेंट वर टू बी मेड एट ₹25 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर कितना कॉल कर रही है कंपनी? 25, 46 ऑन अलॉटमेंट, अब देखो, एंड 10 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 25 ऑन फाइनल कॉल। सो यहाँ पे अलॉटमेंट का आपको जो अमाउंट दे रखा है वो 46 दे रखा है। तो स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है तो इट मींस जो भी प्रीमियम है वो किस पर माना जाएगा? अलॉटमेंट पे माना जाएगा। और क्वेश्चन में स्पेशली गिवन है कि प्रीमियम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन है, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल है, या फिर एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल है, अलॉटमेंट है, जो भी है, तो उस पर हम कंसिडर कर लेंगे। अदरवाइज क्या करना है? कुछ भी अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मेंशन नहीं है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, जो प्रीमियम है वो किस पर है, तो वो किस पर माना जाएगा? अलॉटमेंट पे, समझ गए? The application for 18,000 shares were received and all were accepted. देखो, हमने शेयर्स कितने इशू किए थे स्टूडेंट्स? 20,000 शेयर इशू किए थे, और एप्लीकेशन कंपनी को कितनी इशू हुई है? 18,000। जरा कैलकुलेट करके देखना, 20,000 शेयर्स इशू किए थे और इसका 90% हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? 18,000, कितना आएगा? 18,000। अगर स्टूडेंट्स कंपनी को अगर 18,000 से यानी 90% से अगर कम की एप्लीकेशन रिसीव होती तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती थी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन पढ़ाया ना आपने, ठीक है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कितना है कि एटलीस्ट 90%, कितना? 90% किसी कंपनी को जितने भी शेयर्स उसने इशू किए हैं उसका सब्सक्रिप्शन रिसीव होना जरूरी है। मींस उतने 90% के शेयर के लिए
जो पब्लिक है उसके द्वारा एप्लीकेशन लगानी जरूरी है। अगर 90% की एप्लीकेशन रिसीव नहीं होती किसी भी कंपनी को, तो वो मनी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। समझ गए? So, यहाँ पे 90% की एप्लीकेशन रिसीव हुई है तो कोई बात नहीं, इसको हम अंडर सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जितने शेयर्स इशू किए थे उससे कम सब्सक्राइब हुए हैं। कम सब्सक्राइब का मतलब कम खरीदे गए हैं, कम अप्लाइड किए गए हैं पब्लिक के द्वारा, तो इसको हम कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। समझ गए? तो 18,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है तो हम जितनी भी जनरल एंट्री करेंगे वो 18,000 से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि जब जनता ने एप्लीकेशन 18,000 शेयर्स के लिए लगाई है, 18,000 शेयर्स के लिए लगाई है, तो हम उनसे अलॉटमेंट भी 18,000 शेयर पर ही रिसीव करेंगे। फर्स्ट कॉल भी, फाइनल कॉल भी, ठीक है, उन्हीं से ड्यू करेंगे और उन्हीं से क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। नेक्स्ट देखो, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। सारा पैसा रिसीव हुआ है लेकिन किसको छोड़कर? एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 100 शेयर्स पर हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी रिसीव नहीं हुआ। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री, आपको नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है। तो फर्स्ट केस में हम कह रहे हैं कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं, व्हेन कोल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन। व्हेन कोल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन, जब कोल्स इन एरियर अकाउंट जब हम ओपन कर रहे हो तो किस तरीके से जनरल एंट्री करेंगे, एंड सेकंड वे हम किस तरीके से करेंगे, व्हेन कोल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन। दोनों में डिफरेंस बताऊंगा मैं आपको, देखो समझो। सो सबसे पहले हमें क्या रिसीव होगा, एप्लीकेशन रिसीव होगा, और एप्लीकेशन का रेट कितना है स्टूडेंट्स से, 25। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। इस क्वेश्चन में डेट हमें गिवन नहीं है, अगर डेट मेंशन होती तो हम यहाँ पे डेट भी मेंशन कर देते हैं। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, आपको जिन क्वेश्चंस में आपको डेट मेंशन हो तो उन क्वेश्चंस में आपने करना है कि जैसे एप्लीकेशन की डेट आपको गिवन है 1 अप्रैल, ठीक है, एप्लीकेशन की डेट कितनी गिवन है, 1 अप्रैल, और अलॉटमेंट की आपको डेट गिवन है सपोज करो 1 मई, ठीक है, 1 मई आपको अलॉटमेंट की डेट गिवन है। तो जो एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ है उसकी एंट्री आप किस डेट को करोगे, 1 अप्रैल को, और जो एप्लीकेशन मनी आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो शेयर कैपिटल में, उसकी एंट्री होगी 1 मई को, क्योंकि जैसे अलॉटमेंट हुआ है उस अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग तो वो जो हम ट्रांसफर वाली एंट्री करते हैं वो अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग ही तो हम करते हैं ना, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन आगे जो शेयर्स अंडर सब्सक्रिप्शन की बजाय जो ओवर सब्सक्रिप्शन के थ्रू जो शेयर्स इशू हो रहे हैं उनमें ये जो टॉपिक है आपका क्लियर हो जाएगा। समझ गए? अभी फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि जो एप्लीकेशन मनी रिसीव वाली एंट्री है वो तो एप्लीकेशन वाली डेट को ही हो जाएगी सपोज करो 1 अप्रैल को, और जो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर वाली जो एंट्री है वो किस डेट को होगी, अलॉटमेंट वाली डेट को, अलॉटमेंट 1 मई को है तो उस डेट को होगी, और फिर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री वो भी 1 मई को होगी, अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री वो भी 1 मई को होगी, यानी अलॉटमेंट वाली डेट को कितनी एंट्री होगी, 3 एंट्री होगी। अलॉटमेंट वाली डेट क्या है, 1 मई, तो 1 मई को कितनी एंट्री होगी, 3 एंट्री होगी। कौन सी? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर की, अलॉटमेंट मनी ड्यू की, एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव की। तो ये तीनों एंट्री किस में होगी स्टूडेंट्स, 1 मई को ही अलॉटमेंट वाली डेट में होगी। समझ गए? जिन क्वेश्चंस में डेट दे रखी हो उनमें आप, क्यों होगी ये आपका कॉन्सेप्ट जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन का केस करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आप इसको लर्न कर लो। ओके, देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, क्या एंट्री होगी स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले आपको पता है एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नॉट कैपिटल, क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा कितने शेयर्स पर स्टूडेंट्स, 18,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है तो ऑब्वियसली हमें 18,000 पर ही एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, और एप्लीकेशन का रेट कितना है, 25। तो हमें यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा 18,000 शेयर्स है, और एक शेयर्स पर हमें कितना रिसीव हो रहा है स्टूडेंट्स, 25। तो 18,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 36 एंड 9 45, 4,50,000 कितना मनी रिसीव होएगा, 4,50,000। अब इस मनी को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर की क्या एंट्री होगी पता है आपको, क्या होगी, 7% प्रेफरेंस शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट आपने फुल फॉर्म यूज करनी है, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, ध्यान रहे। 2.7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, समझ गए स्टूडेंट्स। तो आपको इस तरीके से करनी है, जिस क्वेश्चन में आपको इक्विटी शेयर गिवन हो तो आप 7% प्रेफरेंस शेयर की जगह क्या लेगा, इक्विटी शेयर। ये 7% इसके सामने क्यों लगाया, 7% प्रेफरेंस शेयर। तो ये 7% का मतलब क्या है, ये कूपन रेट है, इसको हम कूपन रेट बोलते हैं। इसी रेट से इन शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा, समझ गए। ये 7% मतलब किसी के सामने 7% होगा, 10% होगा, 12%, तो क्या ये परसेंटेज, इस परसेंटेज को कूपन रेट बोलते हैं। इस रेट को क्या बोलते हैं, कूपन रेट। इसी रेट से क्या किया जाता है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड पे किया जाता है, समझ गए। सो इस मनी को हम ट्रांसफर कर देंगे, कितना 4,50,000 रिसीव हुआ था, तो इस 4,50,000 को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, समझ गए स्टूडेंट्स। को डाउट, मैं जो बात बता रहा था कि अगर इस क्वेश्चन में हमें डेट गिवन होती, सपोज करो एप्लीकेशन की डेट 1 अप्रैल को है, तो ये वाली एंट्री तो किसको हो जाती, अप्रैल 1st को। और ये जो ट्रांसफर वाली एंट्री किस डेट को थी, अलॉटमेंट की डेट हम देखते क्या है, अलॉटमेंट की डेट 1st May है, तो ये हम 1st May को ये ट्रांजेक्शन करते, समझ गए। कोई डाउट किसी को, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अलॉटमेंट जो मनी है वो ड्यू करेंगे। एप्लीकेशन मनी तो सबसे पहले क्या होगा, रिसीव होगा, फिर हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। और उसके बाद जितनी भी कॉल्स हैं, जितनी भी इंस्टॉलमेंट हैं, हम क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे एंड देन रिसीव करेंगे। तो अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट जो है, अलॉटमेंट का मनी हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे। सिमिलरली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे एंड देन रिसीव करेंगे, समझ गए। ओके, सो सबसे पहले अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट मनी ड्यू की क्या हो जाएगी, 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2.7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो शेयर इशू किए गए हैं वो कैसे इशू किए गए हैं, एट अ प्रीमियम ऑफ 6% पर शेयर। तो 100 रुपीज का 6%, 6 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा, 40+6, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 40+6। प्रीमियम जो होता है वो इंक्लूडेड होता है, और जो डिस्काउंट होता है वो एक्सक्लूडेड होता है। लेकिन डिस्काउंट पर तो शेयर कंपनी इशू कर ही नहीं सकती है, कंपनीज एक्ट 2013 के बाद नहीं कर सकती, ओनली स्वीट इक्विटी शेयर्स को ही डिस्काउंट पर इशू किया सकता है अंडर सेक्शन 54। सो क्या करेंगे हम, पहले ड्यू करेंगे, कितनी अमाउंट से ड्यू करेंगे, 46 से, जिसमें 40 रुपीज तो हम किसमें दिखाएंगे, शेयर कैपिटल में, और 6 रुपीज किसमें दिखाएंगे, प्रीमियम। सो ये हो जाएगा हमारे पास शेयर है 18,000, 18,000 इंटू 40 एंड 18,000 इंटू 6, इस तरीके से करोगे तो इजी रहेगा, 46 से मल्टीप्लाई करने की बजाय। 18 × 4 = 72, तो ये कितना हो जाएगा, 7,20,000 एंड 18 × 6 = 108, सो 1,08,000, क्लियर है। और यहाँ पे 18,000 इंटू 46, क्योंकि हमें अलॉटमेंट का कितना पैसा रिसीव करना है, 46, तो ड्यू बिजनेस करेंगे 46 से, आप 46 से मल्टीप्लाई करोगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको ऐड कर देते हैं तो वो सेम आएगा 8,28,000, 8,28,000, समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये हमने अलॉटमेंट मनी जो है वो क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। अब हम अलॉटमेंट मनी क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। सो अलॉटमेंट मनी रिसीव कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 2.7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर्स पर हमें रिसीव होएगा, अलॉटमेंट मनी 18,000 शेयर्स पर रिसीव होगा ना, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा रिसीव हुआ एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 100 शेयर्स से जो पैसा है वो रिसीव नहीं हुआ है, समझ गए। सो यहां पे तो हमें कंप्लीट मनी रिसीव होगा 18,000 * 46, और ये हमने ड्यू किया था
8,28,000, so 8,28,000 ये मनी हमें क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, समझ गए, सिंपल है अभी तक। अब जो कोलसिन एरियर अकाउंट का जो टॉपिक है वो तो अब आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल मनी अब क्या करेंगे, ड्यू करेंगे और फिर रिसीव करेंगे। सो फर्स्ट कॉल ड्यू किस तरीके से करेंगे, 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स पर, 18,000 शेयर्स पर ड्यू करेंगे। कितनी अमाउंट है, कितने का रेट है, फर्स्ट कॉल का 10 रुपीज का रेट है, कितने का रेट है 10 का, तो 18,000 × 10 कितना, 1,80,000 से हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। कोडाउट, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, लेकिन रिसीव करेंगे तब ध्यान रखना कि 100 शेयर्स ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी नहीं पे किया, यानी उनका क्या हो जाएगा, कोलसिन एरियर। हम किस तरीके से कर रहे हैं क्वेश्चन को, व्हेन कोलसिन एरियर अकाउंट इज ओपन, जब कोलसिन एरियर अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं तो किस तरीके से हम एंट्री करेंगे। देखो अब क्या होगा, हमें फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर टू 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सो कितने शेयर्स पर हमें रिसीव होना चाहिए, 18,000 शेयर्स पर, लेकिन 100 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, तो जो 100 शेयर्स ने हमें रिसीव होना चाहिए, टोटल हमने इक्विटी शेयर जो फर्स्ट कॉल को जो प्रेफरेंस 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल को जो हमने डेबिट किया वो कितने से किया है, 1,80,000 से, तो हमें कितना रिसीव होना चाहिए, 1,80,000 होना चाहिए। इसमें से 100 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, तो 100 शेयर्स ने जो पैसा नहीं दिया तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, डेटर्स बन जाएंगे स्टूडेंट्स, क्या बन जाएंगे, डेटर्स। और उन डेटर्स को हम किस नेम से शो करेंगे, कोलसिन एरियर अकाउंट, किस नेम से शो करेंगे, कोलसिन एरियर अकाउंट। कितने शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, 100 शेयर्स ने, और रेट कितने का था, 10 का, तो 100 × 10 इट मींस हमें 1,000 रुपीज रिसीव नहीं हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, कोलसिन एरियर अकाउंट। तो हमें 1,80,000 रिसीव होना चाहिए था और हमें रिसीव कितना नहीं हुआ, 1,000, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट हमें कितना रिसीव होगा, 1,79,000 शेयर, यानी जो हमें मनी रिसीव होगा वो कितने शेयर्स पर रिसीव होगा, 17,900 शेयर्स पर, क्योंकि 18,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई थी उसमें से 100 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, तो 100 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया तो कितने ने दिया, 17,900 शेयर्स ने, और कितने की रेट से स्टूडेंट्स, 10 की रेट से, तो 17,900 × 10 तो हमें कितना रिसीव हो जाएगा, 1,79,000, समझ गए। तो ये कोलसिन एरियर अकाउंट जो आपने डेबिट किया, ये कुछ स्टूडेंट्स को एक्सपेंसेस मान लेते हैं, स्टूडेंट्स ये एक्सपेंसेस नहीं है, ये एक तरीके से हमारे लिए क्या है, डेटर्स हैं, इन्होंने पैसा नहीं दिया ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जैसे सपोज करो आपने किसी को मान लिया, मोहन को आपने फर्नीचर सोल्ड किया, तो मोहन को आपने फर्नीचर क्रेडिट में शोल्ड किया, तो मोहन से पैसा वो रिसीव करना है, तो आप क्या एंट्री करोगे, आप यही एंट्री करोगे ना, मोहन डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर आपके पास से गया है तो फर्नीचर को आपने क्रेडिट कर दिया, और डेबिट किसको किया, मोहन को, क्योंकि मोहन को आपने कैसे बेचा है, उधार बेचा है, तो मोहन आपका क्या है स्टूडेंट्स, डेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, हमने कोलसिन एरियर अकाउंट को ओपन किया है, तो ये पैसा हमने क्या करना है, रिसीव करना है, ये हमारे क्या है, कोलसिन एरियर का मतलब ये वो शेयर होल्डर है जिनसे हमें पैसा लेना है, तो ये हमारे क्या है, डेटर्स है, ठीक है, लेकिन इनको एक तरीके से डेटर्स है, लेकिन इनको हमने डेटर्स की कैटेगरी में शो नहीं करना, इसको हम क्या करते हैं कि इसको जो हम शेयर कैपिटल जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जो शेयर कैपिटल हेड जो शो करते हैं, उस शेयर कैपिटल हेड में से हम इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, इसको डेटर्स में आपने शो नहीं करना है, लेकिन मैं बता रहा हूं एक तरीके से हमारे क्या है, डेटर्स है, समझ गए। कुछ स्टूडेंट्स इसको एक्सपेंसिव मान लेते हैं, और अगर इन फ्यूचर ये पैसा हमें दे दे तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम यही एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू कोलसिन एरियर, जो कोलसिन एरियर हमने डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देंगे। जैसे सपोज करो ये मोहन है, हमने इसको क्रेडिट में सोल्ड किया था, इन फ्यूचर ये हमें पैसे दे देता है, तो हम क्या एंट्री कर देंगे, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो
ऐसे ही कट है। अगर ये इन फ्यूचर ये कॉल्स इन एरियर वाला अमाउंट हमें रिसीव हो जाता है तो हम क्या एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, समझ गए। सो इस तरीके से करना है आपने। सिमिलरली जो फाइनल कॉल है उसमें भी हम इसी तरीके से एंट्री करेंगे। देखो फाइनल कॉल में कितने रुपए के रेट है, 25 का रेट है, तो हम सबसे पहले ड्यू करेंगे, क्या एंट्री कर देंगे स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर्स, क्या लिखेंगे 7% 7% preference share, 7% preference share final call account debit to 7% preference share capital account। इस तरीके से हम ड्यू करेंगे, कितने शेयर है 18,000 शेयर है और रेट कितने का है 25, कितने का रेट है फाइनल कॉल का 25, तो 18,000 इंटू 25 ये हो जाएगा 36 प्लस 9 45, 4,50,000, तो 4,50,000 से हम क्या कर देंगे ड्यू कर देंगे, समझ गए। इसके बाद आपने करना क्या है, इसके बाद ये जो फाइनल कॉल बनी है क्या करोगे, रिसीव करोगे, जैसे आपने फर्स्ट कॉल की एंट्री करी थी सिमिलरली हम किसकी करेंगे, फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना रिसीव होना चाहिए था हमें 18,000 शेयर्स पर 25 की रेट से, हमें कितना रिसीव होना चाहिए था स्टूडेंट से 4,50,000, तो क्या हमें 4,50,000 रिसीव हुआ, नहीं, क्योंकि 100 शेयर्स ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो जो नहीं दिया वो हम किस में डेबिट कर देंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। ये क्वेश्चन हम कैसे कर रहे हैं, व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन, जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम जब ओपन करें तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। 100 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, 100 into 25, तो 100 into 25 इट मींस हमें कितना रिसीव नहीं हुआ, कितना रिसीव नहीं हुआ, 100 into 25 मींस 2500, 4,50,000 हमें रिसीव होना चाहिए था और 2500 हमें रिसीव नहीं हुआ, तो हमें यहाँ पे कितना रिसीव हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4,47,500, क्लियर है सबको, समझ गए। कितने शेयर्स पर हमें मनी रिसीव हुआ है, 17,900 पर, तो 100 शेयर्स ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, कितने की रेट से 25 पे, तो हमें यहाँ पे कितना बैंक में कितना दिखाओगे 17,900 इंटू 25, तो इसको 17,900 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इससे अच्छा है आप ऐसे कर सकते हो कि हम पहले शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल का जो मनी है वो क्रेडिट कर दें, कितना रिसीव होना चाहिए था हमें 4,50,000, 4,50,000 में से हमें कितना रिसीव नहीं हुआ कॉल्स इन एरियर का 2,500, तो इसमें से ये माइनस कर दे तो हमारे पास कितना जाएगा 4,47,500, अदरवाइज आप 17,900 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा 4,47,500, समझ गए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप माइनस करके कैलकुलेशन कीजिए ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, समझ गए। अब आपने करना क्या स्टूडेंट्स, अब हम जो सेकंड वे है जिसकी हम बात कर रहे थे, व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन, अभी तो हमने कैसे किया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन, व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन, अब हम जो सेकंड केस कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, इन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन, जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट जब ओपन नहीं करेंगे तो बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, क्या करना है, बड़ा सिंपल है, ये जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो आपने डेबिट किया है ये डेबिट नहीं करना, ठीक है, समझ गए, इसको यो मैं कट कर देता हूं, ये कट कर दिया, ठीक है, तो हम यहां पे कितना दिखाएंगे 1,79,000, समझ गए, बस इतना ही करना है। सिमिलरली इसमें भी आपने क्या करना है, ये कट कर देना है और यहां पर आपने कितना दिखाना है 4,47,500, समझ गए। कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है तो आपने इस तरीके से शो करोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे भी कट करके शो कर देता हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो, 1,80,000 हमने शो कर रखा था और ये 180 शो नहीं करना, जब कॉल्स इन हमें डायरेक्ट माइनस कर देना है, जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट जब हम ओपन नहीं करेंगे तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
फर्स्ट कॉल 17,900 इंटू 10, 1,79,000, यहाँ पे भी कितना दिखा देंगे 1,79,000। जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट जब हम ओपन कर रहे थे और इन फ्यूचर हमें पैसा रिसीव हो रहा था तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, जैसे मैंने मोहन का एग्जांपल लेकर बताया था आपको। तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। लेकिन जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, समझ गए, जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन हम नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या एंट्री करेंगे इन फ्यूचर अगर हमें मनी रिसीव हो जाता है तो हम उस कंडीशन में देखो आपने क्या एंट्री की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% 1,79,000 से। आपने प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट कितने से किया था, 1,80,000 से, लेकिन क्रेडिट कितने से किया है, 1,79,000 से। तो इन फ्यूचर अगर आपको मनी रिसीव होता है तो आप क्या एंट्री कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना मनी रिसीव होना चाहिए था, इक्विटी शेयर यहां पे लेके जाना 7% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। कितना मनी रिसीव होना चाहिए था, 1000, तो हम यहां पे कितना दिखाओगे, 1000। बैंक अकाउंट डेबिट टू 7%, या लिख लेना टू 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, समझ गए किस तरीके से करना है। सिमिलरली अगर हमें फाइनल कॉल का मनी रिसीव हो जाता है इन फ्यूचर तो हम उसके लिए भी हम क्या एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना 2500। तो हमने यहाँ पे डेबिट कितने से कर रखा है, 450 से, और यहाँ पे क्रेडिट कितने से किया है, 447 500 से। और जब हमें वो मनी रिसीव हो जाएगा तो हम 2500 से जो हमने कम क्रेडिट किया वो भी क्रेडिट कर देंगे, क्या एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2500 से, समझ गए। तो ये टॉपिक था किसका, कॉल्स इन एरियर का। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे वो किसका करेंगे, कॉल्स इन एडवांस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।